छुट गेलो आइ बन आब ओहिमे पानिमे लोकके जायब साधन दिक्कत नहि छै नहीं भैंस के व्यवस्था है खाने के नहीं लोग खाने रहने रहने की दिक्कत है पूरे जाने आने में बड़ी दिक्कत है खाना पीना में तो बड़ी दिक्कत अभी से की करते दिराग लोग कोई व्यवस्था छे तो सर प्लास्टिक राउंड के व्यवस्था स्वयं करना पड़ता है जो कि प्रशासन इस पे सोई रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज, मैं हूं आपके साथ अनीश। बाढ़ की कहर इस तरह से बरपा गए हैं खगड़िया जिले में, लोगों को जो है अब जिंदगी नरक सी बन गई है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं खगड़िया जिले के सदर प्रखंड रहमपुर पंचायत की, जहां पर जो है बाढ़ का जो है इस कदर से जो है पानी कोसी नदी में और बूढ़ी गंडक नदी में जो है बढ़ गए हैं, जिनको लेकर आवाजाही में काफ़ी परेशानी लोगों को हो रहा है। तमाम फुटेज आपको दिखा रहे होंगे, देखिए किस तरह से जो है लोगों का ही नहीं बल्कि पशु का सुरक्षा को भी लेकर सवाल अब खड़े हो गए हैं। ऐसे में देखिए किस तरह से किसान जो है पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं, कोई घोड़े पर सामान ढो रहे हैं तो कोई भैंस को लेकर जो है ऊंचे जगह ले जाने के लिए रुक कर रहे हैं। तमाम ऐसे में देखिए क्या स्थिति जो है गाँव की बनी हुई है, हर एक जगह जो है पानी घुस गए हैं। लगातार दो दिन से बारिश और बाढ़ की पानी जो है जिस तरह से बूढ़ी गंडक नदी व कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गए हैं, तो रहमपुर पंचायत की लोगों का माने तो यहां के ग्रामीण का माने तो आधी आबादी जो है अस्त व्यस्त त्रस्त हो गए हैं। वैसे भी खगड़िया जिले सात नदी से घिरा हुआ है और बाढ़ का मार जो है प्रत्येक साल झेलना पड़ता है। कोसी इलाके में आने वाले ये खगड़िया जिले के जो है लोगों को हर एक साल त्राही का जो है सामना करना पड़ता है। तो तमाम तस्वीर आपने देखा किस तरह से जो है लोगों का जो है पलायन हो रहे हैं। तो फिर एक बार हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, देखिए किस तरह से जो पानी जो है चारों तरफ जो है दिख रहा है। बाढ़ और बारिश की पानी जो है काफ़ी बूढ़ी नदी के जो है कोसी नदी के जो है उफान आने के बाद जो है पंचायतों में घुस गए हैं। तमाम आने जाने वाले जो प्लान कर रहे हैं उन व्यक्तियों से मैं पहले बात करूंगा क्या कुछ कहते हैं, तो पहले उनकी बातों को सुनिए। पुल टूट गेलो आइ बान आइ ओहिमे पानिमे लोकके जायब साधन दिक्कत नहि छै तऽ हमरा आर की करियौ, हमरा आर जते सुविधा रोड नाला बनै थे रहै बढ़िया, हमरा देते रहै पुल देते रहै बढ़िया रहते रहै, जायब नौबत होइ छै ऊपर में रहै में खाना पीना में उधर बड़ी दिक्कत, खाना पीना में तो बड़ी दिक्कत अभी से की करते दिराग लोग, कोई व्यवस्था छै तो सर क्या दिक्कत जे छै में? नहीं भैंस के व्यवस्था है खाने के नहीं लोग खाने रहने की दिक्कत है पूरे जाने आने में बड़ी दिक्कत है। तो अभी कैसे आ रहे हैं? बड़ी दिक्कत है, पानी अपन हेल के अपना गिरल बजरल जमीन पर के बाद जो है समस्या बहुत सारी समस्या होती है, जो कि पहला तो मुद्दा है कि मवेशी को ना ही चारा मिल पाते हैं ना ही रहने की व्यवस्था हो रहता है, और दूसरी बात है कि आदमी को भी जो है आवागमन में भी बाधित है, रहन सहन में भी बाधित है, खाने पाने में भी बाधित हो जाता है। जिसे व्यवस्था रहता है कि छत पे भी व्यवस्था कर लेते हैं, जिसे नहीं व्यवस्था रहते हैं एनएच पे जाके रहते हैं। प्लास्टिक राउंड के व्यवस्था स्वयं करना पड़ता है जो कि प्रशासन इस पे सोई रहते हैं। अभी तक भी 50% डूब गया है, घर में पानी चल चुका है, 50% जाने के बाद भी प्रशासन अभी तक सोए हुए हैं। इसलिए हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि अपना आ करके अविलंब व्यवस्था किया जाए। किस तरह से जो है लोगों की मांग है, जिला पदाधिकारी से मांग किए जा रहे हैं कि प्रशासन समय से यदि सतर्क नहीं होंगे तो कभी भी अनहोनी हो सकती है। आधे आबादी डूब चुके हैं और डूबने के लिए जो है घर बचा हुआ है, ऐसे में लोग जिलाधिकारी से आस लगाए हुए हैं और बाढ़ की कहर जो है त्राहिमाम मचाए हुए हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। तो सीधे लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन के तरफ से कोई यदि सहायता है तो वो समय से किया जाए, नहीं तो हम लोग पलायन तो कर ही रहे हैं लेकिन खतरे से जो है निकल नहीं पा रहे हैं।